तो भाइयों, बड़ा ट्रैक्टर उस किसान को रखना चाहिए जिसके पास जमीन कम है, उसे भी रखना चाहिए, और जिसके पास ज़्यादा है उसे भी रखना चाहिए भाइयों। कि लेकिन भाइयों, हमें इम्प्लीमेंट बड़े रखने चाहिए। अब ट्रैक्टर ले लिया बड़ा, उस पर 9 का टीलर जोड़ रहा है, 11 का टीलर लगाओ आप। जैसे 855 लिया है, 744 XT लिया है। नमस्कार सभी किसान भाइयों के लिए, राम राम भाइयों। आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। उस वीडियो में भाइयों बहुत सी जानकारी देंगे अपनी गेहूं फसलों से संबंधित। तो भाइयों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। गेहूं की बात करें भाइयों, तो गेहूं में पानी, लास्ट पानी लग चुका है भाइयों। इसके बाद में शायद इसमें ये पानी और देना पड़ेगा। और हालांकि भाइयों, गेहूं में पीलापन सा आने लगा है। और इस साइड देख रहे हैं आप ये, और ये दूसरी साइड देख रहे हैं आप, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हरी है अभी गेहूं। तो भाइयों, समय पर फसलों का ध्यान रखें। सभी भाई जो हैं किसान हैं, जिनके पास ज़मीन है भाइयों, तो खेती से जुड़े हुए हैं, तो भाइयों अपनी फसल की देखरेख जरूर करें। अपने जो कृषि यंत्र हैं आपके पास भाइयों, उन कृषि यंत्रों की देखरेख करें। अब ये हमारी जौ की फसल है भाइयों, इसमें भाइयों पीलापन आ चुका है। तो भाइयों, अब ये 10-15 दिन में कटने के लिए तैयार हो जाएगी भाइयों, देख रहे हैं आप ये। तो भाइयों भाइयों किसानों की शान उसकी जमीन से और उसकी मशीनरियों से ही है भाइयों। किसान जो होते हैं भाइयों, अपनी मशीनरी से प्यार जरूर करें, जो नहीं करते हैं वो भी भाइयों प्यार जरूर करें अपनी मशीनरियों से, क्योंकि आप उन्हें उल्टा सीधा चलाएंगे। अब कुछ मेरे भाई ट्रैक्टर खरीद के लाएंगे और उस पर दोनों लीवर गिर के चलाएंगे भाइयों, दोनों लीवर नीचे करके चलाएंगे। कोई आदमी बोले, अरे भाई मेरा ट्रैक्टर तो बहुत तगड़ा है, मैं तो दोनों लीवर गेर के चलाऊं। अरे भाई, अरे पगले भाई, वो ट्रैक्टर जब आपने खरीदा है, मशीनरी जब आपने खरीदी है भाइयों, तो जब हमने कंपनी को पैसे दे दिए, तो अब मालिक कंपनी नहीं भाइयों, हम हैं। अपने मशीन की कैसे देख रेख करनी चाहिए, कैसा उसे चलाना चाहिए भाइयों। तो दोनों लीवर गिर के ना चलाएं भाइयों अपनी मशीन में, ट्रैक्टर में। और भाइयों 1400-1500 RPM पर चलाएं, 1400-1500 RPM पर भाइयों अच्छा चलता है। और आपने जैसे बड़ा ट्रैक्टर ले लिया, तो भाइयों उसका डीजल एवरेज तो उतना ही है जितना कंपनी ने बनाया है भाइयों। और आप उसमें एक बात, कुछ मेरे भाई पंप छुड़वा देते हैं ट्रैक्टर का, तो भाइयों आप ऐसा ना करें, क्योंकि मशीन ट्रैक्टर जितना डीजल खाएगा उतना तो उसे खाना ही है, वो कम नहीं होने का भाइयों। तो आप मशीनरी को प्यार से चलाएं, सुरक्षित तरीके से चलाएं, देख देख करके चलाएं, दोनों लीवर ना गिरें भाइयों एक साथ, कि बाजा बाजा नू कहते कि अरे मैं तो दोनों लीवर गेर के चलाऊं। अरे भाई, तुम ट्रैक्टर की ताकत नाप रहे हो, क्या कर रहे हो? जब कंपनी को तुमने पैसे दे दिए, हमने कंपनी को पैसे दे दिए, तो मालिक अब हम हैं कंपनी नहीं, तो उसके बाद में भी हम अंट संट जोर लगा रहे हैं भाइयों, तो ऐसा नहीं करना चाहिए भाइयों। तो भाइयों समय समय पर ग्रीसिंग करते रहे मशीनियों की। अब मशीनों का काम शुरू होने जा रहा है भाइयों, कहीं कहीं तो शुरू हो चुका है भाइयों, हमारे यहाँ पे बरुआपुरा गांव में शुरू हो चुका है। तो भाइयों मशीनरियों की ग्रीसिंग करें, उसके बाद सर्विस वगैरह सही करवा के, बिल्कुल राइट करवा के, उसके बाद चलाएं भाइयों। तो भाइयों मेन मुद्दे पर आते हैं, आप और हम कहाँ थे अभी,
मशीन तेल उतना ही खाएगी जितना उसको कंपनी ने बनाया है, जितना उसकी क्षमता है तेल खाने की उतना ही खाएगी। अब बाजा बाजा क्या करते हैं, पंप को छुड़वा देते हैं, उसके बाद में आप चलाएंगे। तो भाई जैसे ट्रैक्टर चढ़ाई पर चल रहा है या लोड पर चल रहा है, खेत में चल रहा है, कल्टीवेटर पर चल रहा है, तो उसमें यदि ट्रैक्टर फिर लोड मान गया तो फिर फायदा ही क्या रहा भाइयों। तो आप ना नया ट्रैक्टर लेके ना पंप छुड़वाओ आप, उसमें जैसा कंपनी देती है आपको वैसा ही आप खरीदो उसे, और अपने पास सुरक्षित तरीके से रखो भाइयों। जैसे भाइयों आपने बड़ा ट्रैक्टर खरीद लिया, मार्केट में बड़े ट्रैक्टरों के दाम कब से बढ़ने लगे भाइयों, जब से डीजल के दाम बढ़ने लगे तभी से मार्केट में बड़े ट्रैक्टर खरीदने लगे आदमी, किसान भाई ज़्यादातर बड़े ट्रैक्टर पसंद करने लगे हैं, क्योंकि उससे एक फायदा है भाइयों। बड़ा ट्रैक्टर हमारे पास भी है भाइयों, 1744 XT है, अभी नया खरीदा है, एक रामू हाथी है भाइयों, 735 FE। तो भाइयों बड़ा ट्रैक्टर उस किसान को रखना चाहिए, जिसके पास ज़मीन कम है उसे भी रखना चाहिए, और जिसके पास ज़्यादा है उसे भी रखना चाहिए भाइयों, क्योंकि छोटा काम छोटे ट्रैक्टर से भी हो जाता है, और बड़ा काम और छोटा काम दोनों बड़े ट्रैक्टर से भी हो जाते हैं। लेकिन भाइयों हमें इम्प्लीमेंट बड़े रखने चाहिए। अब ट्रैक्टर ले लिया बड़ा, उस पर 9 का टीलर जोड़ रहा है, तो भाइयों ऐसा ना करें। जब आपने बड़ा ट्रैक्टर लिया है तो उसमें इम्प्लीमेंट भी बड़ा जोड़ा है, 11 का टीलर लगाओ आप, जैसे 855 लिया है, 744 XT लिया है, तो 11 का टीलर चलाओ उस पर। तो भाइयों डीजल तो उतना जलेगा ही ट्रैक्टर को जितना पीना है, लेकिन काम हमारा उसी समय में, मतलब कम समय में काम ज़्यादा होगा भाइयों। जो 9 के टीलर पे होता था भाइयों, उससे ज़्यादा काम हमारा 11 के टीलर पे होगा। अब 9 के टीलर जोड़ेंगे उस पर तो डीजल तो उसको उतना खाना ही है, तो हमारा कहते हैं डीजल में बजट नहीं आ रहा, कुछ बच नहीं रहा डीजल में, खर्चा ज़्यादा है बड़े ट्रैक्टरों का। तो ऐसा खर्चा तो होता ही है, लेकिन जब हम उस पर इम्प्लीमेंट बड़े जोड़ेंगे तो हमारा खर्चा भाइयों, खर्चे का कोई मतलब पता नहीं चलेगा कि हमारा खर्चा हुआ है या नहीं, लेकिन खर्चे से काम ज़्यादा दिखेगा भाइयों। तो भाइयों हालांकि इस वीडियो में बातें बहुत हो चुकी हैं, मेरी बात आपको अच्छी लगी हो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। और भाइयों हमारे एक बड़ा चैनल है शिवम भार्गव के नाम से, मेरा नाम है शिवम भार्गव, इसी नाम से मेरा चैनल है एक, तो आप उस पर विजिट करेंगे शिवम भार्गव 735, तो आपका स्क्रीन पर मेरा चैनल शो हो जाएगा भाइयों। मैं भी एक किसान हूँ भाइयों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं भाइयों सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो में मशीनों से संबंधित, फसलों से संबंधित जानकारी दी है मैंने आपको, कोई भी बात आपको अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, धन्यवाद भाइयों, अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं।